तो केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन के अंतर्गत किए हैं उसके बारे में आपके समक्ष बात करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। कल राज्यसभा में मेरी रोस्टर ड्यूटी थी और 45 साल के राजनीतिक जीवन में कल पहली बार मैंने राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल पार्टी और उनके सभी अंतरंग मित्र दलों का वो शर्मनाक और लोकतंत्र विरोधी चेहरा देखने को मिला जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और तृणमूल के सदस्य वेल के अंदर आ गए और डिप्टी चेयरमैन के माइक वगैरह सारे तोड़ दिए और रूल बुक्स भी फाड़ दी और उनके चेहरे पर कागज फेंके। इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। और इसके ऊपर मजे की बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि हम मिलकर हरिवंश जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अरे तुम क्या विश्वास प्रस्ताव लाओगे, हम तो ये मांग करते हैं कि जिन सांसदों का कल ये इस प्रकार का आचरण रहा है उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाए। आज जिस तरह से इन बिलों को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है, विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से में जो किसानों के बीच में इन पार्टियों के द्वारा जहरीला प्रचार किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, कल भी मीडिया में भी कहा है, हिंदी में भी ट्वीट किया है, इंग्लिश में भी ट्वीट किया है और यहां तक कि पंजाबी में भी ट्वीट करके ये कहा है कि एमएसपी के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी।